और ये देखिए हमारी बेटी है, सो रही ये है। आप लोग, रीना जी का चेहरा कैसा हो गया आप रीना जी का? तो चेहरा ही एकदम ब्लस्ट हो गया है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और हम लोग भी तो अच्छे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो आप लोग को दिखाएंगे। रीना जी, और ये देखिए हमारी बेटी है, सो रही है। बोलो बेटी, हाय हाय बोल रही है। देखिए हाय देख रही है, हमारी बेटी सोई हुई है मस्त, एकदम लेट के एंजॉय कर रही है अपने मम्मा के पास। तो चेहरा ही पूरा। और देखिए आप लोग, रीना जी का चेहरा कैसा हो गया आप लोग को दिखाते हैं। जो चले गए आप लोग प्रार्थना कीजिए, जैसे आए हैं वैसे चले गए, अच्छा से ये देखिए। ये देखिए चेहरा पे पूरा एकदम चेहरा ही खराब हो गया, इधर हाथ पे देखिए, उधर दिखाओ उस हाथ पे, ये देखिए। रीना जी का तो चेहरा ही एकदम ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। और इधर मेरी बेटी है, बोलो बेटा हाय बोलो। आप क्यों नहीं बोल रही हो, बोलो ना हाय बोलो। बोलो हाय चाचू, बोलो बोलो चाचू लो, आंटी लो, सब लोग को। हाँ, अरे वाह बेटा वाह, बोल दिए मेरी लल्ला। और फ्रेंड जो है कि उधर देखिए बर्तन तो है, आप लोग देखिए। और सब अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और ये सब अभी पूरा काम करने का है, बहुत तकलीफ है, क्या करें, इतना परेशानी है। कह रही ना जी, हाँ ना, अभी ताका भी नहीं सही हुआ मेरा तो। अभी ताका को कितना दिन, 20 दिन हुआ होगा उसको, भी 6 महीना आराम करना था, दवा हुआ भी मेरा सब बंद हो गया है। मेरी सासू माँ बोली है कि दवा मत खाओ इस समय, मैं तो और ज़्यादा गुस्सा में होंगी, तो दवा हुआ सब छोड़ दिए। तो ताका भी अभी हमारा दुख है बहुत, तो हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द माता रानी अच्छे से चली जाए खुशी खुशी, और फिर उसके बाद से हम दवा खाएँ कि हमारा ताका जल्दी से ठीक हो जाए। वो भी बहुत दुख रहा है हम डॉक्टर से क्या बताए, अभी हम उससे ही परेशान थे, तो अभी माता रानी आ गए। बच्चों को भी दूध पिलाने में इतना दिक्कत हो रहा है कि क्या ही बताया तुम लोग को। मजबूरी है दोस्तों जो है कि क्या करें, अभी इनके पास जाना पड़ेगा बच्चे को। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो दूर हूँ, मगर मेरी बेटी जा रही है। क्या बेटी? मेरी बेटी जा रही है, अभी ये सब प्रॉब्लम है अभी चल रहा है। अभी इनको डेली साफ सफाई सब कुछ, अभी मैं तो खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, बस चोखा या तो क्या बोलते हैं हल्दी वल्दी वाला चीज़ कुछ नहीं खाना है। चोखा ही खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, चोखा रोटी दूध का। मैं चोखा खा रहा हूँ और ये रीना जी बस दूध खा रही हैं और कुछ भी नहीं, वो भी बगैर हल्दी का दूध, बस गर्म करके, हल्दी वल्दी नहीं डाल रहे। क्या करें, कुछ बनाना है नहीं, ऐसा लग रहा है ना कोई लाठी से मारा हुआ, तो बदन ही दिख रहा है। पहली बार माता रानी को हम देखे हैं, पहली बार हमारे जैसे भी आई है अच्छा से आई है और जाइए। और आप लोग कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा, जो नहीं लिखेगा उसके ऊपर भी जाएंगी, जो हमारे वीडियो को देख के और चला जाएगा माता रानी उसके ऊपर जाना। नहीं जाने दीजिए, और उनको थोड़ा सबक सिखाना, जहाँ मन रहेगा तहाँ जाएंगे। और मेरी बेटी का पैर है तो ठीक है फिर अभी चलते हैं, थोड़ा बर्तन तो धोना है, खाना वाना भी बनाना है। और रीना जी के लिए आम लेके आया हूँ, उधर पड़ा है देखिए, उस दो आम धो के देंगी तभी खाएंगी, फिर उसको धोना है, धो साफ ऊपर के देते हैं और खाएंगी। खट्टा नहीं है, पका हुआ है ना, मीठा होगा। जिधर काम करते हैं उस कंपनी में ही बहुत बड़ा पेड़ है, तो उस पर आम फरा था तो उसको चढ़ के तोड़े हैं। तो ठीक है फ्रेंड, बने रहिए, हमारे मोबाइल पे कॉल आ रहा था, आ रहा है मेरी बहन का, रीना जी के मोबाइल पे। तो फाइनली फिर मैं खाना वाना बना के और जो है कि नहा भी लिया हूँ, और इतना गर्मी हो रहा था इसकी वजह से नहाना पड़ा,
वैसे तो डेली नहाते हैं। क्या बोलिए? और 11 ही बज गया है, मतलब लेट भी हो गया है बहुत ज़्यादा। और अभी खाना बना के और नहा के आ रहे हैं। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था ना कि मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसकी वजह से नहाए हैं। और ड्यूटी से आते हैं तो डेली नहाते हैं, मगर आज बहुत आज और कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी था और हमारा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे इसके वजह से। इसकी वजह से जो है कि वीडियो नहीं आ पाया। और रीना जी बहुत परेशान हैं इसके लिए, अभी क्या करें, अभी देखते हैं कितना दिन तक जो है कि माता रानी रहती हैं इनके पास, कब तक अभी तो मालूम नहीं है। और रीना जी का तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसा हो गया। ये बोल रहे ना, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे डर लगता है। चेहरा देख के रात में बोलेंगे पानी दीजिए, पानी दीजिए, डर जाएंगे आप, बोलने की झोटा पकड़ के। ऐसा हो गया है जो कि चेहरा देख के डर लग रहा है, इतना भयानक लग रहा है ना, जैसे पूरा मतलब कि छोटा छोटा होके और उसमें पानी भर गया है ऐसा। आप लोग को मालूम होगा, जो कोई देखा होगा मालूम होगा। तो ठीक है, फिर अभी चलते हैं, खाना पीना भी खाएंगे और जो है कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल दिखाएंगे, देखते हैं कैसा होता है रीना जी के साथ।